ये अभी पलवल जिले के 7 फीडरों पे जगमग मारा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत काम पूरा हो चुका है और उन फीडरों पे 41 गांव पड़ते हैं और इन पे काम होने के बाद इन पे लाइन लॉसेज भी हमारे कम आ गए हैं। तो कम होने के बाद इनको 24 घंटे बिजली दी जा चुकी है। इससे पहले हमारा एक फीडर और चल रहा है मारा गाँव जगमग गाँव के तहत, जिसकी भी लाइन लॉसेज पहले से ही हमने उतर के काम कर लिए थे। जगमग का काम उसको पूरा हो गया था तो वो फीडर पहले से 24 घंटे पे चल रहा है। इससे उसको मिला के इसमें 8 फीडर और हमारे 41 गांव अब हो गए और 3 पहले से थे, टोटल मिला के 44 गांव में 24 घंटे बिजली हो गई। क्या फायदा होगा सर इससे? इससे सबसे पहला फायदा तो लोगों को यही हुआ है कि उनको उधर की 24 घंटे बिजली मिलेगी, शहर की तरफ बिजली मिलेगी। और इसके अलावा कि उस फीडर पे लोड कम हो जाएगा, उस ट्रांसफार्मर पे भी लोड कम हो जाएगा जिस ट्रांसफार्मर से लोगों को बिजली मिलती है। तो उससे जो समस्या जो आती थी कि उधर की ओवर लोड लोड की वजह से शाम के टाइम जब उधर की सब लोगों का उधर की लोड चलता था, उस टाइम पर बिजली बिजली के कट हो जाते थे। तो फीडर की ब्रेकडाउन हो जाती थी, वो फीडर की ब्रेकडाउन कम हो जाएगी अब। और दूसरा जो ये फ्यूज उड़ने से जो लोकल एरिया की थोड़े एरिया का की जो सप्लाई बंद हो जाती थी, उस समस्या से भी लोगों को निजात मिलेगी। अब इस टाइप की समस्याएं नहीं आएंगी तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर बिजली दे पाएंगे। इसी के अलावा इसी के साथ में अभी हमने ऊर्जा मित्र ऐप के थ्रू भी लोगों को बिजली ना होने के समय के बारे में सूचित किया जा रहा है ऊर्जा मित्र ऐप के थ्रू। इसमें सभी लोगों के हम मतलब कि फ़ोन नंबर ले रहे हैं और जैसे फीडर का कोई भी शेड्यूल्ड या अनशेड्यूल्ड कट होता है, एक तो शेड्यूल्ड कट होता है कि मतलब कि हम कोई मेंटेनेंस फीडर की मेंटेनेंस करवा रहे हैं तो उसे हम शेड्यूल्ड कट कहते हैं कि मतलब कि वो पहले से ही निर्धारित है कि इस दिन इस वजह से मतलब कि ये बिजली हम बंद करेंगे, ये इस फीडर की मेंटेनेंस कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस करा रहे हैं या जियो सिम चेंज करा रहे हैं, जियो सिम की मेंटेनेंस करा रहे हैं या वो बैटरी कटिंग वगैरह करवा रहे हैं, फीडर की मेंटेनेंस और एसटी और एनटी की दोनों की मेंटेनेंस करवा रहे हैं। दूसरा ये होता है कि मतलब कि अनशेड्यूल्ड कट हो जाते हैं कि एकदम से अचानक ही लाइन में कोई फॉल्ट आ गया, कोई आंधी की वजह से या कोई पेड़ ट्रिगरिंग टचिंग की वजह से या बॉडेज वगैरह की वजह से, इसकी वजह से मतलब कि वो लाइन में कोई बाधा आई है और उसकी वजह से मतलब कि ब्रेक डाउन होगी लाइन।